दिल्लीतल्या ऐतिहासिक जामा मशिदीमध्ये महिलांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. मशीद प्रशासनाने तिन्ही गेटवर बोर्ड लावले, त्यामध्ये जामा मशिदीमध्ये एकट्या महिलांना यायला बंदी आहे असं बजावण्यात आले. याचा अर्थ जामा मशिदीमध्ये महिलांना पुरुष सहकार्याशिवाय प्रवेश मिळणार नाही असा आहे. जामा मशिदीच्या या फतव्यामुळे आता वादाला तोंड फुटलंय. दिल्ली महिला आयोगाने जामा मशिदीच्या इमामांना नोटीस बजावली आणि बंदीच्या निर्णयाचा कोणालाही अधिकार नसल्याचं म्हटलंय. तर भाजपनं यावरून हल्ला बोल केलाय. तीन तलाक, हलाला, हिजाब और काले बोरे में कैद करने की मानसिकता की ठेकेदारी करते हैं वो लोग. उन बेटियों को मदरसों में भेजने की तो वकालत करते हैं जो इस्लामिक सेक्स गैंग के अड्डे बन रहे हैं, लेकिन मस्जिद में लट्ठ लेके खड़े हो जाते हैं कि नहीं, मस्जिद में लड़की या लड़कियों को के अकेला दाखिला मना है. भारत को सीरिया बनाने की मानसिकता पाले ये मुस्लिम कट्टरपंथी कम से कम ईरान की घटनाओं से ही सबक ले लेते. वो भड़काऊ भाईजान कहाँ है भाग्यनगर के, जो कि ये सपना पाले बैठे थे कि बुरका नसीन कोई बहन जो है देश की प्रधानमंत्री बनेगी. अरे उनको पहले मस्जिद में तो प्रवेश दिलवा दो. क्या भारत की कोई मस्जिद ऐसी है जहां पर के मुस्लिम बेटियां पुरुषों के साथ खड़े होकर के एक साथ नमाज पढ़ सकती हों, साथ में धर्मस्थल में जा सकती हों? सर माननी चाहिए,